ग्रेटर नोएडा में शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन ने 10 बसें लगवाकर उनके घर भिजवाया। इन मजदूरों की संख्या 250 रही। इन मजदूरों को उनकी क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने पर उनके घर भेजा गया। ये मजदूर यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। इन सभी प्रवासी मजदूरों को दादरी के कौशल्या वार्ड में बने शेल्टर होम में रखा गया था, जहां से इन्हें इनके घरों के लिए भिजवाया गया। ग्रेटर नोएडा में शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन ने 10 बसें लगवाकर उनके घर भिजवाया। इन मजदूरों की संख्या 250 रही। इन मजदूरों को उनकी क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने पर उनके घर भेजा गया। ये मजदूर यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। इन सभी प्रवासी मजदूरों को दादरी के कौशल्या वार्ड में बने शेल्टर होम में रखा गया था, जहां से इन्हें इनके घरों के लिए भिजवाया गया। ग्रेटर नोएडा में शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन ने 10 बसें लगवाकर उनके घर भिजवाया। इन मजदूरों की संख्या 250 रही। इन मजदूरों को उनकी क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने पर उनके घर भेजा गया। ये मजदूर यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। इन सभी प्रवासी मजदूरों को दादरी के कौशल्या वार्ड में बने शेल्टर होम में रखा गया था, जहां से इन्हें इनके घरों के लिए भिजवाया गया। ग्रेटर नोएडा में शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन ने 10 बसें लगवाकर उनके घर भिजवाया। इन मजदूरों की संख्या 250 रही। इन मजदूरों को उनकी क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने पर उनके घर भेजा गया। ये मजदूर यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। इन सभी प्रवासी मजदूरों को दादरी के कौशल्या वार्ड में बने शेल्टर होम में रखा गया था, जहां से इन्हें इनके घरों के लिए भिजवाया गया।